हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके एजुकेशन में। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर परीक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत ही बड़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 31 मार्च तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की परीक्षा है वो स्थगित की जाएगी। जाने पूरी जानकारी, इस दिन से आपकी परीक्षा है वो वापस जारी कर दी जाएगी। वह आपके एडमिट कार्ड है वो न्यू इस दिन आ जाएंगे। वह आपके न्यू जो टाइम टेबल है वो आपको इस दिन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जय नारायण के ऑफिशियल ट्वीट की है, ऑफिशियल जो एक विभाग निकला था उसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि महोदय, यहाँ पर आप देख सकते हो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय उक्त विषय ग्रहण सूचित किया जाता है कल दिनांक, इसका मतलब कि 19 तारीख के दिन ही निकल चुका था। 20/3/2020 से आगामी परीक्षाएं सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक 3/3/2020 तक समस्त स्थगित की गई है। परिवर्तित तिथियों की समय सारणी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.jnau.edu/education.in पर शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। दिनांक 31/3/2020 के पश्चात परीक्षा का कार्यक्रम है वो यथावत रहेगा। इसका मतलब दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, 31 तारीख और इसके बीच में जो भी 10 दिन की परीक्षा है वो रद्द हुई है। उसके बाद के जो भी परीक्षा है, जैसे कि 1 अप्रैल या 4 अप्रैल की परीक्षा है, वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी संशोधन है वो नहीं किया गया। जिस तरह से कोरोना 21 फैल रहा है उसके हिसाब से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कुछ स्थानों पर धारा 144 भी लगा दी है। इसके अनुसार कहीं पर भी 5 व्यक्ति इकट्ठा होकर नहीं बैठ सकते। दोस्तों, अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप जाइए डाउटनेट के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर जाइए, फोटो क्रॉप कीजिए, इस नंबर पर सेंड कर दो। आपके क्वेश्चन का मात्र 10 सेकंड के अंदर डाउटनेट की टीम के द्वारा आंसर दे दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ और एनके एजुकेशन के साथ बने रहिए आगे ऐसी लेटेस्ट धमाकेदार अपडेट के लिए।